नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मावे से और छेने से गुलाब जामुन बनाएंगे। कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है, कोई भी खुशी होती है, या आजकल तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तब हम गुलाब जामुन बनाते हैं। चलिए, वही गुलाब जामुन आज हम घर पर बनाएंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 300 ग्राम मावा लिया है, आधा कप पनीर लिया है, आधा कप मैदा ली है, 800 ग्राम चीनी ली है और कुछ चिरौंजी ली है। चलिए अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन। अब हम सबसे पहले चाशनी बनाएंगे। ये हमने लगभग 800 ग्राम चीनी ली थी, ये लगभग 3.5 कप चीनी है। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें हम उतना ही लगभग पानी डालेंगे, 3.5 कप के करीब। अब ये हम चाशनी बनाएंगे। अब हम गुलाब जामुन का डो तैयार करेंगे। मावा लेंगे, मावा इसमें मुलायम होना चाहिए। ये देखिए हमारा एकदम मुलायम मावा है। अब इसमें हम पनीर लेंगे, पनीर के टुकड़ों को हम तोड़ेंगे और हाथों की सहायता से इसे भी चिकना करेंगे। पनीर भी देखिए एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें हम मैदा डाल देंगे। अब इन सबको मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारी चाशनी बनकर तैयार है, एकदम साफ चाशनी बनी है। यदि आपको लगे शुगर में इम्प्योरिटी है तो आप इसमें 2-4 चम्मच दूध डाल के इसके ऊपर जो झाग आएंगे उसे आप निकाल दें। देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल साफ बनी है और इसको आप उंगली की सहायता से चेक भी कर सकते हैं। देखिए हल्का सा बत्तार बना है और इस चाशनी को हमें पतला ही रखना है। हमारी चाशनी अब तैयार हो गई है। अब हम गुलाब जामुन को तलने के लिए इधर तेल भी चढ़ा देते हैं। गुलाब जामुन का हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसमें से हम छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे इस तरह से और हाथों की सहायता से हम गोली बनाएंगे। अभी बीच में इसमें चिरौंजी डालेंगे और इस तरह से बंद करके हम हाथों की सहायता से गोल बनाएंगे। हमने गोलियां बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको हम तलेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और हम तेल को इनके ऊपर से हल्के हल्के मार के चलाएंगे। कच्चे इनके गोलियों के ऊपर नहीं डालेंगे जिससे ये फट जाएंगे। तेल को हम हल्के हल्के हिलाएंगे और चारों तरफ से इनको हम सेकेंगे। गुलाब जामुन हमारे सिक गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी हल्की गर्म होनी चाहिए। हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। गुलाब जामुन बनकर तैयार है। ये देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। इस दिवाली आप इसको बनाएं और मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं ये आपको कैसे लगे। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।